टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। अब 20th क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीन चीजें गिवन है, तीन हमारे पास कंडीशन गिवन है, ए बी सी आर एन ए पी। सबसे पहली कंडीशन, इफ ए बी सी आर एन ए पी, आप जानते हो कि अगर ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये मतलब होता है। इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन निकली, जो कंडीशन लैंग्वेज में लिखी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब दूसरी कंडीशन आती है, इफ बी सी डी आर इन जी पी, अगर बी सी डी जी पी में है, अगर बी सी डी जी पी में है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी होगा। आपको पता है तीन टर्म के लिए क्या करते हैं, तीन टर्म जीपी में, तो सेंटर वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ इफ वन अपॉन सी वन अपॉन डी वन अपॉन ई आर इन एपी, अब ये तीन टर्म एपी में है तो अगर एपी में होगा तो इसका मतलब सेंटर वाले का डबल 2 अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब देखो प्रूफ क्या करना है, तीन चीजें गिवन थी, तीन इक्वेशन बन गई, अब प्रूफ क्या करना है, ए सी ई आर एन जी पी। जो प्रूफ करना है वो तीन टर्म के लिए प्रूफ करना है, इसका मतलब इसको हम जानते हैं कि ए सी ई अगर जीपी में होगा तो क्या प्रूफ करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ये प्रूफ करके लाना है हमें। मतलब इक्वेशन से इक्वेशन ही आएगी, जब हमने गिवन कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो प्रूफ करने वाली गिवन कंडीशन जो है लैंग्वेज में वो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो अगर ए सी ई को जीपी में प्रूव करना है तो सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ए ई होना चाहिए। अब इन तीन इक्वेशंस को इस तरीके सॉल्व करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई आ जाए। अब हम दोबारा से देखेंगे अपनी तीनों इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सेकंड इक्वेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, तो सेकंड इक्वेशन मैच करती है। देखो इससे सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, तो क्या करना है आपको, बी डी को एलिमिनेट करना है। तो बी की वैल्यू कहां से निकलेगी, फर्स्ट इक्वेशन से, और डी की वैल्यू कहां से निकलेगी, सेकंड इक्वेशन से। समझ में आई बात, थर्ड इक्वेशन से। तो इस थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब सॉल्व करना जरूरी है इसको डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 अपॉन डी इज इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन सी ई। यहां से डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी की वैल्यू आएगी 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई, ये डाल दो थर्ड इक्वेशन। समझ में आई बात, जैसा क्वेश्चन में प्रूव करना है उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी है। अब लिखेंगे यहां पे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखनी है वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू बताओ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू है ए प्लस सी अपॉन टू इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये रही 2 सी ई अपॉन, ये दोनों वैल्यू हमने किस में रखी, सेकंड इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये एक सी से एक सी भी कैंसिल हो गया, तो चलो लिख देते हैं इसको ए प्लस सी इंटू सी ई अपॉन सी प्लस ई। तो आप देखो एक सी से ये सी भी कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी ई सी प्लस ई से सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए ई प्लस सी, सी से सी कट गया तो क्या प्रूव हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, हो गया ना प्रूव। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी ई आर एन जी पी।